आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है और आज हमारी मुलाकात में ज़्यादातर जो हमारे पेंडिंग केसेस है उसके सिलसिले में मशावरत हुई है। हमारे बहुत कम सीटें ऐसी रह गई हैं जिस पे हमने कैंडिडेट्स को फाइनल करना है, उसमें कुछ ऐसी भी हैं कि वकला साहिबान को भी हमने ऐड कर देना है। वो सारी सजेशन इंशाल्लाह ताला आज किसी भी वक्त हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि कल शाम 9 बजे तक इंशाल्लाह ताला हम सारी लिस्टें फाइनल करके अपने वोटर सपोर्टर को इंशाल्लाह ताला अपने वेबसाइट पे फाइनली डिस्प्ले कर लेंगे और हम उनसे अपील करेंगे कि 8 फरवरी को इंशाल्लाह फतह आपकी होगी। आप मुतहद रहे, अपने वोटर की पहचान करें, अपने कैंडिडेट की पहचान करें और उनको कामयाब कराएं ताकि जिस मकसद के लिए और जिस पर्पस के लिए खान साहब इस वक्त जेल में हैं, हम उस मकसद के पीछे इस कामयाबी को हासिल करके जो रिफॉर्म हम लाना चाहते हैं, जिस मुल्क को हम एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं, इसको आगे तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते हैं ताकि हम उसको हकीकत में उसको बना सके। और कोई क्वेश्चन है आपकी तो मेरी सिर्फ जा रहा है कि आपने इमरान खान साहब के इत्मीनान में लिए बगैर खालिद डार साहब से इत्तेहाद किया था, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, नहीं, हमारा जो इत्तेहाद हुआ था वो इत्तेहाद का हर बंदे का हक है और हमने कर दिया था। हमारी पार्टी है, हमारी कोर कमेटी है, हमारी एफएक्स कमेटी है, हमारी और वकला साहिबान थे, सारे मौजूद थे। ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि एक बंदे को आप उठा करके लेके जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, वो जो मर्जी वो कहें। उसने पहले भी कहा था बिल्कुल एक इतमाद, बल्कि उनकी तो कोशिश थी कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगे पर बहुत कम है। और देखें, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है। आज भी अगर आप उसको देखें, बाकी पार्टी को, बिलावल के जितने भी है, बिलावल ने खुद एक पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते हुए भी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पर लड़ रहा है। आप कराची में जाए, नून के टिकट पे जीडीए के लोग हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ना पीटीआई के लोगों को रोकने के लिए हैं और इन्होंने वही कहा जा रहा है। कल खान साहब ने आपसे नाराजगी का इजहार किया है, किस बात पे? मामले पे कि हम, मैंने कहा था सुनी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करें। नहीं नहीं, सुनी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारा कभी इत्तेहाद हुआ ही नहीं। सर शेख अफजल मरवत साहब अपनी मुहिम खत्म करके उन्होंने भी ट्वीट किया कि मैं वापस आ रहा हूं क्योंकि मुझे करने नहीं दिया जा रहा पार्टी के अंदर से। रोहन हसन साहब ने कहा जी मैं उन्हें जानता ही नहीं। नहीं नहीं, ये देखे वो चोड़े हम कंटिन्यू करेंगे। खान साहब ने भी कहा है कि हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते पार्टी को। देखे, हम पार्टी के लड़कर वर्कर होते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें न करें, पार्टी सबको रिकॉग्नाइज करती है और आगे प्रोसीड करती है आपस में। मैंने तो उनसे एक अपील करता हूं, मैं कहता हूं उन सबसे अपील करता हूं कि देखो आपस की जो तजादात है और इख्तलाफात है इसको इशू ना बनाए। अगर आप जाती इशू में रगेंगे तो आवाम का एक लार्जर इंटरेस्ट हमारे पास पड़ा। इस वक्त हमारा लीडर जो है वो जेल में पड़ा हुआ है, हमने उनको देखना है, उसके पर्पस को देखना है और उसके पर्पस के लिए लोग हैं। हमारे जो लीडर इस वक्त अपने घरों से जुदा है, आप उनसे पूछे कि 9 महीने इनका टाइम हो गया, कितने मुश्किल में उन्होंने गुजारा, एक मकसद के लिए गुजारा। हमारे लीडरशिप को अगर आप देखें, वो 30-30-40 साल से इस पार्लियामान में बैठे, उनको इतना शौक नहीं है एक मरतबा इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए मुखलसी का दिहाते हुए वो इस ईमान को बचाना चाहते, जमहूरियत को बचाना चाहते, इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन देखना चाहते, इसलिए वो इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है, अगर आपका जाती इख्तिलाफ है, टू कीप इट टू योर सेल्फ, पार्टी शैल स्टे यूनाइटेड एंड द पार्टी रिकॉग्नाइजेस एवरीवन। देखिए, मुहिम जो हमने जारी रखे हुए हैं इंशाल्लाह और कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे प्रिसाइसली स्पेसिफिक का नहीं पता कि कौन कौन से कन्वेंशन करने हैं, लेकिन कन्वेंशन इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। देखे, पार्टी का हमारे बिल्कुल तरीकेकार है, पहले भी ऐसा होता रहता है। हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, रीजनल प्रेसिडेंट है, फिर पार्टी की कोर कमेटी है, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड्स है, ये सारे रिकमेंड करके खान साहब की तरफ करते हैं, सारी अपनी राय देते हैं, द बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट और वफादार कैंडिडेट को लेके आते हैं, फिर उनमें नामों में से खान साहब फाइनल करते हैं और खान साहब जाने कुछ जानते थे। इस मरतबा हमारे साथ एक प्रॉब्लम जरूर रहा था। देखिए, शेख रशीद साहब के साथ हमारा पहले इतिहाद था और इतिहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था, उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इतिहाद हमारा नहीं हुआ था। तो जब आप अपने अलग अलग इलेक्शन कंटेस्ट करते हो तो हम
देखो वो एक सेपरेट इशू है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस, बट जहां तक उस बात का ताल्लुक है कि हमारा इतिहाद तो हमारा है, उसके साथ एक इतिहाद नहीं था और हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। जिस तरीके से हमारे एक दो उलमा पार्टी थी, इस्लामिक पार्टी थी, उनके साथ सिर्फ इस बात पर हुआ था कि हम चाह रहे थे वो उलमा भी कंटेस्ट कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर ये उलमा साहिबान इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको अपोज नहीं करेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने वर्कर सपोर्टर्स को कि और वोटर्स को कि आप उनको सपोर्ट करें। ये बताइएगा कि इस बार पीपी 15 से एक डिसेबल हैं जो कि पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या पार्टी में उनको आजाद हसीयत के बाद जब वो पार्टी बन जाएगी अगर शामिल होना चाहते हैं उनको मौका देंगे? देखो वो मेरे इलम में और मेरे पास आई भी और हमने कंसिडर भी कर लिया है और बहुत अच्छा होगा अगर उसको मिले, लेकिन टिकट अवार्ड करने का भी एक तरीका कार है, तो अभी प्रिसाइसली मुझे नहीं पता कि क्या उसका टिकट अप्रूव हुआ है नहीं है। नहीं इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं ले सकते। सर देखिए वो हमारा है, हमारे पास है, हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला और हमारा कैंडिडेट है और वो वहाँ लकी मरवत से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा भी और जीतेगा भी इंशाल्लाह ताला। साहब भी और शोएब शाहीन साहब भी बयान देते रहते हैं जबकि शेरफ अफजल मरवत साहब ने कहा है कि देखो जाती इख्तलापात अगर जाती इख्तलापात, मेरी दरख्वास्त है, सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जाती इख्तलापात को बुलाएं। आप मुल्क की तरक्की की तरफ अगर है, आप अगर मुखलिस पाकिस्तानी हैं, पेट्रियाटिक है, अगर आप पीटीआई के वर्कर सपोर्टर और वोटर हैं, तो आप काइंडली खान साहब के इस वक्त जेल को दे करके दिल पे पत्थर रख करके अपने इख्तलापात बुला के पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करें, पार्टी के कास को सपोर्ट करें, खान साहब के विजन को सपोर्ट करें, जिस पर्पज के लिए खान साहब बैठे हैं। खान साहब जेल में क्यों है? आपकी आजादी और खुद मुख्तारी के लिए जेल में, इसके लिए प्लीज कर रहे हैं। देखिये पार्टी में हमेशा इख्तलाफ रहता है, यही जमहूरी तरीकेकार है। अगर इख्तलाफ होते तो हम नजरियाती देखो हमें बाकी इजाजत नहीं दी जा रही, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इन अदरवाइज अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ पे कंपेन नहीं कर सका, लेकिन कोई भी कैंडिडेट हो उसका भी राइट है कि वो कंपेन कर सके, सबको मिलने चाहिए। अच्छा ये बता दीजिएगा, ये बता दीजिएगा नून लीग में टिकट अप्लाई करने वाले को पीटीआई के टिकट मिलेंगे? नहीं नहीं, वो इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं लेते, ये ले ले बेटा। अभी हम अडियाला जेल से निकले हैं और आज तीन केसेस लगे हुए थे, एक साइफर केस जिसमें आपको पता है कि जिस तरह से पहले कार्रवाई की गई बंद कमरे के अंदर और जिस तरह से नोटिफिकेशंस बार बार जेल के हवाले से किए गए, वो तमाम नोटिफिकेशंस को कलदम करार दिया गया और जितनी कार्रवाई थी उसको वापस अगस्त के महीने से स्टार्ट करने का कहा गया। दूसरी दफा फिर उसी तरह से केस चला और दोबारा जो है सेम ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ और दोबारा उसी जगह से ट्रायल जो है स्टार्ट हुआ, अब फिर उसी तरह से किया जा रहा है। और फिर अगर तीसरी दफा यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा फैसला आता है तो क्या आप ये समझते हैं कि ये फेयर ट्रायल हो रहा है सिर्फ एक शख्स को सजा देने के लिए कि उसका कसूर ये है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, वो इस माफिया के खिलाफ खड़ा हो गया, उसने इस जुल्म और जबर के ऊपर आवाज उठाई, आपने उसकी हिम्मत तो तोड़ न सके आप और आपने उसके ऊपर केसेस बनाकर अंदर डाल दिया और फिर इस तरह से केसेस चलाना शुरू कर दिए। दूसरे नंबर पर जो इद्दत के दौरान नकाह वाला केस है उसके ऊपर बड़ी अहम जो है बात मैं करना चाहता हूं, उनसे सबसे पहले हम हलफ लेंगे कि वो हलफ के ऊपर ये बताएंगे कि क्या किसी शख्स को अगवा नहीं किया गया। मैं खावर मानिका की बात कर रहा हूं कि अगवा करके उसके ऊपर केस बनाकर क्या उससे जबरदस्ती ये बयान नहीं लिया जा रहा, तो गवाही देने से पहले उससे हलफ लिया जाएगा। इसी तरह दूसरे गवाह ओन चौधरी वगैरह, तो उनसे हलफ लेंगे हम और वो हलफ के ऊपर बताएंगे कि ये गवाही जो है ये अपनी वो सच्ची दे रहे हैं और अपनी मर्जी से दे रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर नहीं है और वो इसको सच्चा समझते हैं तो इसलिए ये गवाही दे रहे हैं। नंबर टू बात, इस केस के अंदर आज बीबी साहबा उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो समाअत के दरमियान से वो बाहर आई और कानून ये कहता है कि जब आप ज्वाइंट चार्ज फ्रेम कर रहे होंगे तो फिर दूसरे उस एक्यूज का होना भी जरूरी है।
लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में एक सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद की है। तो इस तरह से यह केस चलाया जा रहा है। अदालत को बार बार हमने कहा कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस के हवाले से चैलेंज किया हुआ है, तो कल उसके अंदर समाहत है। आप कल के लिए एडजर्न कर रहे हैं और बीबी साहब अभी नहीं है, लेकिन नहीं रोके। और तीसरी बात, जो अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना और ये केस चल रहे हैं, इसके ऊपर खान साहब ने बड़ा वाजिया कहा कि आपने जाकर बताना है कि हसन नवाज जिसने बेनिफिट लिया, जिसके हवाले से ये केस शुरू हुआ, वो इस केस के अंदर कहां है। और मैं इस केस के अंदर जो मेरे ऊपर बनाया गया, मैं ट्रस्टी हूं, मैंने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया। ये यूं ही है जैसे शौकत खानम अस्पताल हो या नमन यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर मैं ट्रस्टी हूं, तो मेरा क्या उसके अंदर बेनिफिट है। फिर ये कह दें कि वो जायदाद भी मेरे नाम पे है। फिर उन्होंने कहा कि जो घड़ियों के हवाले से या गिफ्ट के हवाले से बात की जा रही है, हमने तो चार गुना ज्यादा कीमत अदा करके एक लीगल प्रोसेस फॉलो किया और लिया और हम एडमिट करते हैं, लेकिन गाड़ियां जो हैं वो ली नहीं जा सकती तोशाखाना से। तो जरदारी, मरियम नवाज और बाकी ये सारे शरीफ, इनसे क्या हिसाब मांगा गया है? उनके केसेस किधर हैं? और तीसरी बात जो खान साहब ने कही डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, आज भी हमारी टीम वहां पर गई, खोसा साहब और साथ दीगर वकला जिन्होंने जाकर खान साहब के केस को लगवाने की बात की कि खान साहब को एक गैर कानूनी हुक्म के जरिए इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया था, और हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इस्तदा की है कि उस केस को लगा लिया जाए, फैसला दे दिया जाए। हमने ये इस्तदा नहीं की कि हमें क्लीन चिट दें। हम कहते हैं कि जो कानूनी तौर पर प्रोसेस है वो फॉलो किया जाए। केस लगाने की हद तक हमारी गुजारिश है कि केस लगाएं ताकि जो भी फैसला होना है वो हो जाए। फिर भी आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अजीब तरीके से खोसा साहब के साथ रवैया किया और उन्होंने कहा कि आप एक तरफ अदम एतमाद करते हैं और एक तरफ केस लगाने की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप अपने पास बेशक ना लगाएं, हमारा केस लगाना हमारा हक है। और खान साहब ने कहा कि उसको देखें कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट देकर डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म करके उतार दिया गया और मेरा केस ही नहीं लगाया जा रहा। आमर फारूक साहब 11 महीने तक दरखास्त अपने पास रखते हैं, उसके ऊपर फैसला ही नहीं देते। हम ये कहते हैं कि हम दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। 11 महीने के बाद फैसला होता है कि आप वापस नहीं ले सकते, 11 महीने दरखास्त लटकाई जाती है। तो इस तरह से केसेस चल रहे हैं। बाकी जो मैं इलेक्शन के हवाले से जो कौम के लिए पैगाम है खान साहब की तरफ से, मैं वो देना चाहता हूं। खान साहब ने कहा है कि ये निशानात से आप ना घबराएं वर्कर्स को, और उनके लिए भी मैसेज है जो आप घबराएंगे। उन्होंने कहा है कि निशान जो भी हो, वोट है कैदी नंबर 804 का, वोट है इमरान खान का, और कौम 8 तारीख को फैसला देगी इस जुल्मो बर्बरियत और मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है इसके खिलाफ और हकीकी आजादी के ऊपर। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जाकर ये बताएं कि ये क्या चाहते हैं कि कौम कोई भेड़ और बकरियां हैं, कि आप जब चाहेंगे आप कहेंगे कि आप इसको वोट दें दे, आप इसकी हुकूमत बना देंगे, तो इस दफा वो सारी चीजें चेंज होंगी और अवाम फैसला करेगी 8 तारीख को कि इस मुल्क का हकीकी लीडर कौन है जो इस मुल्क को आगे ले जा सकता है, जो इस मुल्क की बका के लिए लाना जरूरी है। ये जितने मर्जी है लोगों के साथ जुल्म जबर कर लें। अमजद न्याजी को खान साहब ने कहा कि आईसीयू में डाल दिया गया कि उसने वो डटा रहा। इसी तरह से चकवाल से हमारे कैंडिडेट थे, उनकी बैन को उठा लिया गया, फिर उनसे वो विड्रॉ कर गए। और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप देख लीजिएगा 8 तारीख को लोग इमरान खान को करें। अल्लाह रहमान रहीम, आज जो 3 केसेस थे उस हवाले से कुछ प्रोसीडिंग्स हुई हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुनसिफ कंप्रोमाइज हो जाएं तो वो सारा सारा दिन जेल में आके ट्रायल करते हैं और डे टू डे हेयरिंग कर रहे हैं। इनके दरमियान मुकाबला लगा हुआ है कि किस कौन पहले सजा देता है 8 फरवरी से पहले पहले। मसला इनको तकलीफ क्या है कि आज पूरे पाकिस्तान में कौम बाशऊर हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान की 90% आबादी, कौम, पब्लिक इमरान खान और उसके वीएन के साथ खड़ी है।
वो शऊर जो पाकिस्तानियों को इमरान खान ने दिया है, ये 76 साल की तारीख में पहली मरतबा हमने देखा है। आज जो जुल्म, बर्बरियत और जो तशद्दुद और जो उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। नाइंसाफी ना सिर्फ हो रही है बल्कि होती हुई नजर आ रही है। और इन हालात में हम इलेक्शन में हैं, जबकि बल्ले का निशान हमसे छीन लिया गया, इसके बावजूद पब्लिक, लोग, कौम हमारे साथ खड़ी हुई है। और जो निशान हमें मिला है, मसलन मुझे फाख्ता का निशान मिला, नईम साहब को प्याले का निशान मिला, लेकिन आज उस निशान को लेकर कौम इमरान खान के विजन के साथ खड़ी है। आज जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या इदारे हों या मुनसिफ हों जो इस वक्त जेल में बैठ के ट्रायल कर रहे हैं, ये सब नाइंसाफी के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरुए कार ला रहे हैं। ये पाबंद हैं आईन और कानून के, लेकिन आईन और कानून की पामाली हम सब की आंखों के सामने होती हुई नजर आ रही है। ये वो जुल्म है जिसको पाकिस्तान की कौम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखें, जुल्म के साथ कभी मुआशरा नहीं रह सकता कायम, कुफ्र के साथ रह सकता है। आज जो जुल्म हो रहा है, हर जगह जगह नाइंसाफी है, हर जगह पे हर तरह से की नाइंसाफी है, खा वो इलेक्शन का मामला हो, खा लोगों के साथ रवैयों का मामला हो, खा पंजाब पुलिस के रवैये हों या पाकिस्तान की पुलिस के रवैये हों। आज जुर्म सिर्फ एक है, वो है कि पीटीआई का वर्कर होना, पीटीआई का हिमायत याफ्ता होना, वो सबसे बड़ा जुर्म है। अगर आप पीटीआई के नहीं हैं तो जितने बड़े करप्ट हैं तो आपको हर लिहाज से पाक साफ किया जाएगा। इमरान खान ने एक साल पहले कह दिया था कि ये लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है कि इमरान खान को जेलों में डाला जाएगा, उसको नाहल किया जाएगा और उसके साथ साथ पार्टी को डिसमेंटल किया जाएगा और उसके साथ उस लाडले को, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और उनके सारे मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे और फिर इलेक्शन होगा। लेकिन उसने चौथी बात भी की थी, जब वो इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे, पीटीआई ही जीतेगी। हम बजा तौर पर ये समझते हैं कि ये जो कुछ आज हो रहा है ये सब गलत है, इसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे मुल्क की इकाइयों को होगा, हमारे मुल्क की मईशत को होगा, हमारे 25 करोड़ आवाम को होगा। हमारा डॉलर इनफ्लो नहीं हो सकता, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती जब तक सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म ना हो, जब तक एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना आ जाए। और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएँ। और इलेक्शन कमीशन जानबदारी और सहूलतकारी कर रहा है, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, और वो न सिर्फ ये एक सहूलतकारी कर रहा है बल्कि वो वॉकओवर देना चाहता है वो पीएमएलएन को और ऐसी जमातों को, और वो पीटीआई के हुकूक जो कि लोगों के हुकूक हैं या पीटीआई के हुकूक हैं या पार्टी के हुकूक हैं, उसकी हक तलफी हुई है। और जो परसों का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का जिससे, और इलेक्शन कमीशन का, जिसके ज़रिए बल्ले का निशान छीन लिया गया, ये इसके ज़रिए करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं उनके जो हुकूक हैं मुतासर हुए हैं। और बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आर्टिकल 17 को इंटरप्रेट किए बगैर उसको नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया। ना सिर्फ इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, इससे आईन को नुकसान पहुंचा, इससे कानून को नुकसान पहुंचा, इससे मुल्क की मईशत को और मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। थैंक यू। और नईम साहब, अब नईम साहब